बादशाहपुर सीट से जीत दर्ज कर मंत्री बने हैं राव नरबीर सिंह, हमारे साथ बात करने के लिए भी एक्सक्लूसिवली मौजूद है। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से ग्राफ रहा, प्रदर्शन रहा, काबिले तारीफ। कांग्रेस दावा कर रही थी कहिरवाल क्षेत्र में वर्चस्व है, लेकिन आप लोग तो क्लीन स्वीप करते हुए नजर आए। जी नहीं, हरियाणा की जनता और खास तौर से अहिरवाल की जनता ने, अहिरवाल में 11 सीटें आती जिनको हम मानते हैं, उनमें से 10 सीटें भाजपा को दी है। ये एक बहुत बड़ा मैंडेट है और आम आदमी ने ये मानना कि और सरकारों की बनिस्पत भारतीय जनता पार्टी अहिरवाल और हरियाणा में ज़्यादा विकास करती है, सबका साथ सबका विकास, सबका विकास की तर्ज पर काम करती है और सभी क्षेत्र में सभी जिलों में समान विकास होता है, आम आदमी तक सरकार की सुविधाएं पहुंचती है, इसलिए लोगों ने भाजपा को वोट दिया और भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई। क्या कोई दिमाग में ऐसा विचार है या कोई ऐसा प्लान है जो गुड़गांव के लिए लागू करना है? मंत्री पद भी मिल चुका है अब। जी वैसे तो भाजपा ने अपना पूरा हरियाणा प्रदेश का संकल्प पत्र जारी किया था, हम उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन गुड़गांव में फिलहाल गंदगी ज्यादा है, कंक्रीट का जंगल हो गया गुड़गांव, गुड़गांव में जल भराव की समस्या और बहुत सी समस्या है, आहिस्ता आहिस्ता इन सब का समाधान करेंगे, लेकिन स्वच्छता के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि गुड़गांव को दिवाली तक हम स्वच्छ बनाने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल जरूर पूछूंगी, क्या कोई मंत्री पद जो आपके मन में हो, अगर वो मिलता तो मैं बेहतर काम कर सकता, इस तरीके का कोई विचार? जो मंत्री पद मिलेगा उसी में अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। महकमा कोई बड़ा नहीं होता, व्यक्तित्व बड़ा होता है, जो सब महकमे बड़े हैं, जी जो मुख्यमंत्री जी महकमा देंगे उसमें अच्छा काम करके कोशिश करेंगे। तो देखा आपने और समझा भी कि मंत्रालय कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व होता है, और जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको बखूबी निभाने की जो कला है वो राव नरबीर सिंह बेहतर तरीके से जानते हैं, और उसी कले के साथ गुड़गांव के लिए बेहतर तरीके से आगामी समय में काम करेंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।